इत्तेहादी हुकूमत 8 दिन बाद काबीना बनाने में कामयाब। सदर आरिफ अलवी के बजाय चेयरमैन सेनेट आज दिन 11 बजे हल्फ लेंगे। नामंतखब वज़ीर आज़म को एक और मुश्किल। बीएनपी ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात होते रहे तो कैसे गवर्नमेंट का हिस्सा बने अख्तर मेंगर। और सानहा सियालकोट श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद, 72 को 2-2 साल कैद सुनाई गई।